दोस्तों जब हजरत अली ने खैबर फतह किया तो इतना माल बरामद हुआ कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कई पुश्तों के लिए वो माल काफी था। हजरत मौला अली के गुलाम ने वो सारे माल को ऊँटों पर लाद दिया और ऊँटों को एक कतार बनाकर ले जाने लगा। एक जगह पर एक साहिल भूख की शिद्दत से तड़प रहा था और गुहार लगा रहा था कि कोई कुछ खाने के लिए दे दे। खाने पीने का सारा सामान ऊँटों पर लदा था। हजरत अली ने गुलाम को हुक्म दिया कि कुछ खाने के लिए इसको दे दो, तो गुलाम ने अर्ज किया, या अली आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे ताकि मैं ऊँटों पर से खाना उतार सकूँ। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भूख की शिद्दत से इसकी जान निकल जाए। फिर हजरत अली ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि ऊँट पर लदे खाने पीने के सामान और सारी मालो दौलत सहित इसको दे दो। गुलाम ने ऊँट की लगाम थमाई और जल्दी से हट गया। हजरत अली ने पूछा तो उसने कहा, मैं इसलिए इतनी जल्दी हट गया कि आप कहीं मुझे भी इसके साथ जाने का हुक्म ना दे दें, क्योंकि मैं आपकी गुलामी नहीं छोड़ना चाहता।